अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है वो है महबूब को अपने बिस्तर पर लाने का मुजर मंदर। काफ़ी मेरे दोस्त, काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल अपसेट परेशान हैं कि हम अमल कर कर के थक चुके हैं, हमसे कोई ना ही अमल होता है ना ही कोई हाजिरियाँ होती हैं। मेरी बात को गौर से सुने, बिल्कुल माइंड ना करना। पहली बात तो ये है कि आप जो अमल करते हो क्या वो सफली होते हैं या नूरी होते हैं, ये मुझे बताओ। दूसरी बात ये है कि ये जो अमल है जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे सारे सफली होते हैं। ये जो नक्श है ये भी सफली है, इसको देखो आप गौर से, जिस पर मैंने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। बाकी ये अमल मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं, अपने महबूब को बेकरार बेचैन कर सकते हो। आप चाहे मेरी बहनें हो या भाई हो, तो वो अपने महबूब पर लाखों हज़ारों रुपए लुटा देते हैं, फिर भी उनका महबूब उनको घास तक नहीं डालता। ये तो बस सच है। ऊपर से बुला फिर टेंशन आपकी बढ़ जाती है, तो टेंशन बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस तवीज़ को गौर से देखें, आपको बनाने की भी इजाज़त नहीं है। ये कोई आम तवीज़ नहीं है, तलिस्मियाती तवीज़ है। इस तवीज़ का आपने प्रिंट करवाना है सिर्फ तीन प्रिंट करवा के ना आपने क्या करना है, उनको आग लगानी है। बाबा जी, आग एक साथ लगाएं या वक्फा करें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो कम से कम एक मिनट का पूरा वक्फा हो। और कितने बजे जलाना है बाबा जी? 1:40 पर, ठीक है बाबा जी। ये तो बताया नहीं है कि रात को जलाना है या दिन को जलाना है। तो बाबा जी, रात को जलाना है ना, मज़ा तो रात को आएगा। उसी टाइम मेरे भाई, जब आप जलाओगे ना, तो उसी टाइम उसके जिस्म में ऐसी तड़प, ऐसी आग, ऐसी बेकरारी, ऐसी बेचैनी पैदा होगी, उसकी शर्मगाह में आग लग जाएगी। जब तक वो आपके पास आएगी नहीं, उसको सुकून नहीं मिलेगा। जब तक वो आपसे करवाएगी नहीं, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। अगर ना आई तो बाबा जी इसका क्या हल होगा? फिर आपका अमल झूठा होगा। हैं, ये तो सच कह रहा हूँ ना मेरे भाई। पढ़े लिखे तो ये सब जानते हैं कि जब वो नहीं आएगी तो उसकी किल डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी। ये कोई आम अमल नहीं है। हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। मैं ज़्यादा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।